पंजाब हुकूमत का बड़ा कदम, अस्पतालों में भी पनागाहें बनाने का फैसला। लाहौर में ज़ेर तामीर 5 पनागाहों में डिस्पेंसरी के क़याम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अस्पतालों में पनागाहों के क़याम से मरीजों के अहल खाना को छत की सहूलत मिलेगी। शहबाज शरीफ के दौर में अंधेरे खत्म नहीं हुए, सिर्फ लूट मार हुई। इदारों की मौजूदगी में कंपनियां बनाने का क्या जवाब था? शरीफ बरादरान मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूट कर पैसा लंदन भिजवाते रहे। साबिक हुकूमत में सिर्फ 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। तवनाई के शोबे में करप्शन से मुतालिक सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान PPDCL में करप्शन में मुलव्वस है। करप्शन से मुतालिक जल्द वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। नवाज शरीफ का इलाज कराने से फिर इनकार। शरीफ फैमिली नवाज शरीफ को मनाने में एक बार फिर नाकाम। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर अदनान की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। खत्म, जेल से वापस रवाना। मुझे बार बार हॉस्पिटल जाने की बात ना की जाए। बीमारी पर जो सियासत और तजहीक की गई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की अपने घर वालों से गुफ्तगू। पंजाब में 198 मदारिस को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। कालादम जमातों की 150 अरब रुपए से ज्यादा की जायदादें जब्त की गईं। 38 स्कूल्स, 6 कॉलेजेस को हुकूमत ने तहवील में लिया। 52 सरगर्म कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान को कल नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी।